खरगोन जिले में एक निजी स्कूल के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोल दिया और मामला कलेक्टर कार्यालय तक पहुंच गया। गौरतलब है कि शासन की मंशा अनुरूप शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों को फीस में रियायत बरतने का आदेश जारी किया, उसके बावजूद कई स्कूल मनमाने फीस वसूल कर रहे हैं। ऐसे में खरगोन जिले का पालक संघ भी आदित्य विद्या विहार के खिलाफ सड़कों पर उतरा और समस्या की निराकरण के नाम पर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पालक संघ ने बताया कि स्कूल प्रबंधन फीस के नाम पर दबाव बना रहा है, इससे हम मानसिक रूप से परेशान हैं और उक्त समस्या का निराकरण किया जाए। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। हुए हैं कि 30 सितंबर तक आप बच्चे को, पेरेंट्स को टॉर्चर नहीं करेंगे, न फीस भरने के लिए, न ऑनलाइन क्लास पढ़ाने से मना कर सकते हैं, तो फिर आप किस आधार पर बच्चे को ऑनलाइन क्लासेस के दौरान फीस भरने के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है? क्यों किया जा रहा है भाई? और अभी तक हम पढ़ाते हैं, पिछले 10 साल से हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई फीस हमने बाकी रखी हो। हम तो हाथ जोड़ के फीस दें, हमारा बच्चा आपके यहाँ एजुकेशन ले रहा है तो हम बराबर फीस देंगे, फीस देने का मना नहीं है। लेकिन शासन का ये कहना है, कोर्ट का डिसीजन भी ये है कि सर ट्यूशन फीस ली जाएगी, ट्यूशन फीस के लिए कुछ तो आप हमको रसीद में ट्यूशन फीस शो कर दो ना। आप 30,000 रुपये किस बात के ले रहे हैं, 20,000 रुपये किस बात के ले रहे हैं? आप शो करिए कि ट्यूशन फीस इतनी, उसके लिए हमने हमारे द्वारा कोई शुल्क नहीं लिया गया, हम हाथ जोड़ के बने होते आ रहे हैं। और उस ट्यूशन फीस की रसीद को लेकर हम जिला शिक्षा अधिकारी, कलेक्टर महोदय के पास गए, क्या ये फीस जायज़ है? अगर वो कहते हैं कि फीस जायज़ है, हम हाथ जोड़ के समझ देंगे पेरेंट्स को, लेकिन कोई चीज़ का तरीका तो हो। ये तरीका नहीं हो सकता कि आप गेट को ताला लगा दें और पेरेंट्स से बाहर इस प्रकार से उनको शर्मिंदा करें। पेरेंट्स एक महत्वपूर्ण कड़ी है स्कूल की, पेरेंट्स पूरा आपको एजुकेशन का फीस देता है तब साल भर बच्चा पढ़ता है ना, तो पेरेंट्स का सम्मान तो होना चाहिए। इस प्रकार से 5-25 को बाहर खड़ा कर दिया, ये कोई तरीका थोड़ी हुआ। अगला कदम क्या हुआ आपका? अगर बातें नहीं मानी गई तो हम सबसे पहले तो हमारा पेरेंट्स एसोसिएशन का हम गठन करने जा रहे हैं और अपनी बात एक मंच के माध्यम से हम शासन तक पहुँचाएंगे और सरकार तक पहुँचाएंगे। सरकार ने तो अपने आदेश जारी कर दिए, लेकिन यहाँ फॉलो नहीं हो रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को चाहिए कि वो हर स्कूल में अपने फरमान पहुँचाए, जैसे आप मीडिया में पहुँचाते हैं ऐसे वहाँ भी पहुँचाएं कि आपको ट्यूशन फीस लेना है, और वो भी 30 तारीख तक तो आपको लेना नहीं, उसके भी शासन आदेश हुए हैं कि 30 तारीख तक आप कोई किसी प्रकार का प्रेशराइज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन 5 महीने के दौरान हर वर्ग प्रभावित हुआ है साहब। अभी की घटना को आपने शिक्षा अधिकारी को अवगत करा दिया क्या? अभी तो हम यहाँ पे जिस प्रकार से फ़ोन बच्चों को गए थे, तो हम आए हैं यहाँ पे फीस भरने के लिए, तो हमको कोई सही प्रकार से हिसाब किताब नहीं मिल रहा है। आप एक मुग्गम आज विरोध इस तरीके का हो रहा है कि फीस के लिए बच्चों पे प्रेशर बनाया जा रहा है उनके ऑनलाइन क्लासेस के दौरान। अब हो क्या रहा है कि क्लास का इनका पीए का फर्स्ट पेपर था संस्कृत का, उस पीरियड में किसी टीचर ने बोला कि अगर आपने फीस जमा नहीं करी आपके पेरेंट्स ने, तो हम आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम में या नेक्स्ट पेपर में आपको एलिजिबल नहीं मानेंगे। तो ये क्या तरीका हुआ, जबकि सारे पेरेंट्स के नंबर हैं स्टाफ के पास, तो डायरेक्ट आप पेरेंट्स से बात करें ना। और लॉकडाउन में तो वैसे ही कोर्ट के आदेश हैं कि आप किसी पे प्रेशर बना नहीं सकते किसी भी भुगतान के बारे में, इवन स्कूल ही नहीं, सभी जगह की यही कहानियां हैं। अगर आप बैंक की भी बात करें तो बैंक में भी ईएमआई के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें होती है, बात ही बाहर ही नहीं आ रहे हैं साहब। बाहर आए बात करें तो मामला सुलझे, गेट पे ताला लगा रखा है आप देख सकते हैं। क्या मांग? हम सारे आए हैं, मैसेज किया था कि बच्चों की फ़ीस जमा की जाए, पर फीस नहीं बताई कि कितनी फ़ीस जमा करनी है। आज फीस बता देते तो इस तरह का हंगामा ही नहीं होता। हम यही पूछने आए कि आप फीस कितनी ले रहे हो, तो उन्होंने गेट बंद कर दिया। मिल नहीं रहे हैं? नहीं मिलते हमसे, बस हम यही चाहते हैं हमसे मिलते बता दिया जाए बस। लॉकडाउन में देखा गया था कि बच्चे बाहर नहीं निकल रहे थे, पहले प्रेशर में थे और उससे ऑनलाइन क्लासेस लगाई, क्या ये फायदेमंद है ऑनलाइन क्लास? देखो ऑनलाइन क्लास से हम सहमत हैं, पढ़ाया जाए उससे, पर उस पर क्या होमवर्क भी दिया जाता है, होमवर्क से क्या बच्चों की आंखें खराब होती हैं? हम उसको पढ़ाने से सहमत है कि ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, बच्चा कुछ सीख रहा है घर में बैठ के, पर ऐसा नहीं कि जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो उससे 25,000 फीस ली जाए, 28,000 फीस ली जाए, ये तो गलत चीज़ है ना। ऑनलाइन में हम ही रिचार्ज नहीं डरवाएंगे तो बच्चा कैसे पढ़ेगा? पेरेंट्स कभी उसको रिचार्ज डरवा के देता है तो बच्चा पढ़ेगा ना, नहीं तो बच्चा पढ़ ही नहीं पाएगा। ऑनलाइन क्लासेस जो देखी जा रही है स्कूल से किसी स्पेशल वेबसाइट से बनाई पढ़ाई जा रही है या जो भी वेबसाइट बनाई गई उनके मिलती है? नहीं, जूम ऐप आता है, जूम ऐप से पढ़ते हैं। जूम ऐप देखा जा रहा है कि पूरी तरीके से फ्री है और उसके लिए भी ये लोग फीस ले रहे हैं। हम मानते हैं स्टाफ पढ़ा रहे हैं, टीचर्स पढ़ा रहे हैं, तो उनको पैसा देना पड़ता है, उससे भी सहमत हैं कि बच्चों को फीस पढ़ा रहे हैं, फीस जरूरी है, टीचर को दे रहे हैं, पर इतनी नहीं दी जाए, उस चीज़ से सहमत है कि स्टाफ पढ़ा रहा है, सारा सब्जेक्ट क्लासेस रख भी रही हैं, पर फीस अति है, उस लिए हमें यहाँ आना पड़ा। सर देखिए, आप अच्छे से जानते हैं कि अगर स्कूल चलाना है तो फीस की आवश्यकता होती है,
और स्कूल को हमने पालकों को कहा है कि एक बहुत नॉमिनल फीस हमने चार्ज किया है, छोटे बच्चों के लिए अलग है और बड़े बच्चों के लिए अलग है, और हम चाहते हैं कि पालक जो सक्षम है कम से कम वो आके जमा कर दें, जो अगर सक्षम है वो आके विद्यालय में आके चर्चा करें, और अगर वो जिस भी हिसाब से जमा करना चाहते हैं वैसे जमा कर सकते हैं। लेकिन सर आप समझ सकते हैं अगर शिक्षकों को वेतन देना है तो फीस की आवश्यकता तो होती है। बालकों का कहना है सर कि ज़्यादा फीस दी जा रही है, सेवंथ क्लास के लिए 28,000 दी जा रही है। हाँ सर ये ज़्यादा लग रहा है कि बिल्कुल दी जा रही है सर, एक्चुअल में कहीं ना कहीं शायद थोड़ी गलत जानकारी हमने, आप चाहें तो हमारा सारे व्हाट्सएप वगैरह चेक कर सकते हैं। हम लोगों ने पेरेंट्स से बहुत नॉमिनल फीस लाए, अभी हमने 15,000 के अकॉर्डिंग कुछ फीस ली है, लेकिन जो भी फीस पिछले साल थी अगर आप उसको 6 महीने के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देंगे तो बहुत नॉमिनल फीस आ रही है उसकी। तो जो पेरेंट्स ने आपसे कहा है मैं उसके लिए तो पूरी तरह से समर्थ नहीं हूँ कि जो फीस आपसे कही जा रही है वो पूरी तरह सत्य नहीं है, बहुत नॉमिनल फीस हम चार्ज कर रहे हैं और वो भी इतना जितना कि हम शिक्षकों को वेतन दे सकें। सर ट्यूशन फीस के अलावा नहीं सर बिल्कुल कुछ नहीं, ट्यूशन फीस के अलावा सर ट्यूशन फीस भी पूरी नहीं ली जा रही, ट्यूशन फीस में भी काफ़ी हद तक कटौती की गई है। आप किसी भी पालक से एक बार पूछ लीजिए कि उनसे अभी वर्तमान में कितनी फीस कही गई है तो वो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। जी नहीं सर, आप चाहें तो उन पालक के ही व्हाट्सएप चेक कर लीजिए, जो हमने यहाँ से इन्फॉर्मेशन डाली है वो आपको पूरी पता चल जाएगी। एक और आरोप लगाया जा रहा है कि बच्चों को ऑनलाइन क्लास के दौरान फीस के लिए बार बार डरते सर, ये एक आप बिल्कुल चेक करिए। एक तो पूरे साल हमारी जब तक से ऑनलाइन क्लासेस चल रही है आज तक ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, किसी भी बच्चे को सर फीस के लिए अनाउंसमेंट करना एक हमेशा कहा जाता है, क्योंकि अभी बच्चे हमारे सामने है नहीं, हमने पेरेंट्स के मैसेजेस ग्रुप में भी डाला, लेकिन क्योंकि पेरेंट्स सामने रहते हैं आप अच्छे से पता है कि जब छोटे बच्चे क्लास में बैठते हैं तो अधिकांश पेरेंट ही उनके साथ में बैठते हैं, तो क्योंकि पेरेंट्स से सीधा संवाद हो जाता है इसलिए सिर्फ उनसे कहा जाता है कि आप विद्यालय के अंदर फीस जमा कराएं, लेकिन किसी को उसके लिए टॉर्चर करना या ऐसी तो बिल्कुल गलत है। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जितनी भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है एक भी बच्चे को फीस नहीं डिपॉजिट की वजह से कि बाहर किया गया या उसको प्रताड़ित किया गया, सब बिल्कुल भी नहीं है। आप खुद किसी पेरेंट से पूछ लीजिए कि क्या आपके बच्चे को फीस की वजह से बंद किया, इतने सारे टेस्ट हो गए, इतने सारे एग्जाम्स हुई, अभी भी एग्जाम चल रही है, आज भी एग्जाम हुई है, किसी भी बच्चे को ना तो फीस की वजह से कर रहे हैं। अधिकांश पालक ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं, बच्चों का बेहतरीन रिस्पांस है। पर सर एक छोटा सा निवेदन है कि आप एक बार हमारे जो शिक्षक हैं जिनको काफ़ी समय से वेतन नहीं मिला होगा उनसे एक बार जाके पूछ लें उनकी घर की स्थिति कैसी है, वो कैसे अपने घर को चला रहे हैं। पालक जो सक्षम है वो तो कम से कम आके फीस जमा करें, जो सक्षम नहीं भी हैं वो अपने अकॉर्डिंग कर लें आके विद्यालय में आके। हमने सर कई ऐसे पेरेंट हैं जिनको बहुत कम फीस, उन्होंने फीस जमा ही नहीं की, पर उनका कहना था का आरोप है कि जो ऑनलाइन क्लासेस हैं अप्रैल में चालू हुई उसके बावजूद आप इससे पहले का शुल्क ले रहे हैं, सर 3 महीने ही हुए हैं। सर ऐसा नहीं है सर, हमारी क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस अप्रैल में भी चली है, मार्च के अंदर रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद भी, फिर लॉकडाउन चला उसके बाद हमने बंद कर दी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।